हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे सिस्को स्विचेज के आईओएस वर्जन को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको होगी। पहला, आपके पास सिस्को का आईओएस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आईओ सॉफ्टवेयर मीन्स उसका फर्मवेयर होना चाहिए जिसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं। आपके पास एक कंसोल केबल होनी चाहिए और आपके पास एक पुट्टी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए या हाइपर टर्मिनल होगा आपके पास, वो भी चलेगा। और इसके बाद आता है आपके पास एक TFTP सर्वर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसमें हम दो तरह के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। पहला है TFTPD सॉफ्टवेयर और दूसरा है सोलर विंड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कंसोल केबल के बारे में। कंसोल केबल क्या होता है? कंसोल केबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी कंसोल केबल होती है दोस्तों, इस टाइप की। इसके बाद एक कन्वर्टर लगता है इसके अंदर, जो कि इस वाले पोर्ट से आपको कनेक्ट करना होता है, और दूसरी साइड में यूएसबी होता है, और वो यूएसबी वाला पोर्ट आपको अपने लैपटॉप के अंदर लगाना होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस टाइप का ये हमारे पास कंसोल केबल होती है। ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और ये वाला जो पोर्ट है आपके सिस्को स्विच के कंसोल पोर्ट के अंदर लगेगा, और ये वाला पोर्ट जो है आपके लैपटॉप के अंदर लगेगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कंसोल केबल की सेटिंग। कंसोल केबल में आपको कौन सा पोर्ट सिलेक्ट करना है उसको देखने के लिए आपको आपकी कंप्यूटर की सेटिंग के अंदर जाना होगा, या फिर आप अपना रन कमांड ओपन करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे comp mgmt.msc। आप इस कमांड को रन करेंगे। इस कमांड को रन करने के बाद दोस्तों आपके पास एक सेटिंग ओपन होगी जो कि इस टाइप की होगी। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, बाय डिफॉल्ट यहां पर कॉम पोर्ट की सेटिंग के अंदर मेरे को COM4 दिखा रहा है। जो यहां पर हमें शो करेगा वही पोर्ट नंबर हमें डालना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपको कॉम पोर्ट यहाँ पर या इस टाइप का एरर शो करता है। वो इसलिए शो करता है क्योंकि आपके जो कॉम पोर्ट के या कंसोल केबल के जो ड्राइवर है वो आपको अपडेटेड करने पड़ते हैं, या उसका कोई ड्राइवर का सॉफ्टवेयर आपके पास है, या केबल के साथ में कोई CD या DVD आई है उसके थ्रू आपको कंसोल केबल का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप उस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी कंसोल केबल प्रॉपर वर्किंग करेगी। इसके बाद दोस्तों मैं दिखा देता हूं आपको हमारे पास कौन सा iOS वर्जन है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं, अभी हमारे पास 15.2 E4 वर्जन है। इसको हम अपग्रेड करेंगे E5 के अंदर, लास्ट में E4 से E5 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ये पूरा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस iOS वर्जन को देखने के लिए कौन सा आपने फर्मवेयर डाला हुआ है अपने सिस्को स्विचेस के अंदर, उसकी ये कमांड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आप एक सिंपल सी कमांड चला सकते हैं शो वर्जन, उसको एंटर एंटर करेंगे उसके नीचे आपको iOS वर्जन दिखेगा। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आता है पुट्टी सॉफ्टवेयर। सबको पता होगा पुट्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड होगा। अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगा, और उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसके बाद आता है दोस्तों दो टाइप के सॉफ्टवेयर हम TFTP के लिए यूज करेंगे। पहला है TFTPD और सेकंड है हमारा सोलर विंड। TFTPD सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों सबको पता होगा, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट आज हम बात करेंगे सोलर विंड की। सोलर विंड इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपका TFTPD सॉफ्टवेयर होता है उसको आपका एंटीवायरस ब्लॉक करता है। आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड आपका हो जाता है, बट इंस्टॉल करते हैं जब उसमें आपका जो कंप्यूटर का एंटीवायरस है उसको इंस्टॉल नहीं करने देता। वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों किस टाइप का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा TFTP सर्वर है सोलर विंड का, और इसके अंदर आपको सिंपली एक सेटिंग सिलेक्ट करनी होती है। फाइल पर जाएंगे, कॉन्फिगर के अंदर जाएंगे। कॉन्फिगर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाथ होता है जो आपको अपनी, जहाँ पर आपने अपना फर्मवेयर कॉपी करके रखा हुआ है उसका पाथ यहाँ पर आपको डिफाइन करना होता है। इसके बाद आता है सर्वर बाइंडिंग, जो आपका लैन का या वाईफाई का, यानी कि आपके नेटवर्क अडेप्टर्स की सेटिंग का जो एड्रेस होगा, यानी कि आपका IP एड्रेस जो होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा।
तो ये होता है हमारा दोस्तों सोलर विंड के अंदर। इसके बाद आता है हमारा एक TFTPD, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए उसका हम बाद में देखते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे उसका डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिस्को सॉफ्टवेयर। अगर किसी को नहीं पता है कि हमारा फर्मवेयर जो है वो हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, कुछ लोग क्या करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि करप्टेड होता है या वायरस होता है, जिससे कि आपका फर्मवेयर क्रैश हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सिस्को की वेबसाइट पर जाना चाहिए, वहाँ से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आपके पास एक आईडी होना चाहिए फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए। इस फर्मवेयर को कहाँ से डाउनलोड करना है सिस्को की साइट से, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मेरे एक फ्रेंड है परत जी, वो आपको बताएंगे आगे का कंसेप्ट कि हम कैसे सिस्को iOS को अपग्रेड करेंगे। अभी हम जो करंटली यूज़ कर रहे हैं सिस्को का स्विच, वो है 2950, ठीक है 2960, सॉरी। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा वर्जन है यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों C2960, ये हमारा सिस्को स्विच का मॉडल नंबर है। ये 2960 सीरीज का स्विच है जो हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपको परत जी बताएंगे सिस्को की साइट कौन सी है, कहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, और ये कैसे डाउनलोड होगा, और इस फर्मवेयर को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए परत जी स्टार्ट करिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ है। मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है और रिकमेंडेड किसको सिस्को बोलता है और कहाँ से डाउनलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच हम ओपन करेंगे पुट्टी सॉफ्टवेयर, जैसे आपने अलरेज जी ने बताया। पुट्टी सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए कॉम पोर्ट, जैसे नरेश जी ने बताया। कॉम पोर्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉम पोर्ट ओपन करेंगे, तो हमने कॉम पोर्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। हमारा कॉम पोर्ट 4 है, स्विच ओपन हो गया। हमको रनिंग देखना है कि कौन सा है, तो एक कमांड है, वो तो कमांड हम डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा अभी रनिंग में चल रहा है। तो हमारा रनिंग चल रहा है 15.2.7e4। उसके अलावा और कोई iOS है कि नहीं देखने के लिए, तो फ्लैश कमांड डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी फ्लैश हमारे यहाँ पे मौजूदा है और इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हमारी जो स्विच में है वो 2 फ्लैश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक हमारा जो इनबिल्ट आता है 15.24e8, और हमने जो डाला हुआ है लेटेस्ट वर्जन जो अभी रिकमेंडेड है सिस्को का, वो है 152e4। और आपको डाउनलोड करना है तो एक वेबसाइट है, software.cisco.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे जाना है software.cisco.com पे, यहाँ पे आपको मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, ये हमारा मॉडल नंबर है, ये है लेटेस्ट वन है जो अभी 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, 29 सितंबर 2021 को ही रिलीज हुआ है। और जो रिकमेंडेड वहाँ पे वो स्टार किया होता है, तो हमको सिस्को यही बोलती है कि रिकमेंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो जिससे आपको वो सपोर्ट में कोई इशू होता नहीं है। तो हमने ऑलरेडी रिकमेंडेड डाला हुआ है, लेकिन हम आप टेस्टिंग पर्पस के लिए इंस्टॉल करेंगे हमारा नया वर्जन 15.2.E5। ओके, ऑलरेडी हमको इसका यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा, तो उसको एक्सेप्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूजर पासवर्ड चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके सीखा है क्योंकि ऑलरेडी वो 55 MB का है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ओके, तो हम इसको बोलेंगे, हम उसका भी कॉपी करेंगे हमारी सिस्को की स्विच पे। ओके, तो जैसे नरेश जी ने बताया है कि काफी इशू होता है कभी दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो हम सोलार विंड का यूज करते हैं क्योंकि कभी कभी एंटीवायरस ब्लॉक कर देता है। तो ये है फ्री वर्जन है, मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। ये है फ्री वर्जन जो ये भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा है सोलार विंड। तो हम आज सोलार विंड पे करेंगे, बाद में दूसरा मैं एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा इसका। तो जब भी आप सोलार विंड ओपन करें तब ये इंश्योर कर लें कि ये सर्विस है वो स्टार्ट होनी चाहिए। व्हेन वी स्टार्ट दिस सॉफ्टवेयर दैट टाइम विल बी इंश्योर दिस सॉफ्टवेयर विल बी इस सर्विस विल बी स्टार्ट। ओके, और ये जो पाथ बताया आपको वो पाथ पे हम फाइल कॉपी कर सकते हैं। व्हेन वी ओपन दिस पाथ
our particular iOS will be copy this here. Okay, तो हमने ऑलरेडी iOS कॉपी कर चुके हैं यहाँ पे, तो हम अभी अपना स्विच ओपन करेंगे कंसोल में और करेंगे. तो सिंपल कमांड है और सबके सब कमांड मैं आपको दे दूंगा. तो सिंपल कमांड है सो कॉपी TFTP, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो लिखना है, और बाद में फ्लैश ये कमांड डालेंगे. तो हम यहाँ पे हम करा कंप्यूटर का होस्ट डालना है, जो हमको यहाँ पे दिखाई देगा 192.168.222.10. ये होगा नहीं अभी, क्योंकि मैंने स्विच में कोई आईपी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अभी कर रहा हूँ. ओके, और यहाँ पे फाइल का नाम डालना है, तो पूरा फाइल का नाम डालना है, जिससे क्या होगा हमारा कॉपी होगा, डॉट बिन के साथ डालना है. ओके, यहाँ पे एरर आ गया. रीजन यह था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है. टेस्टिंग के लिए आप पिंग कर सकते हैं कंप्यूटर को, आईपी को 192.168.222.10. ओके, क्योंकि रीजन यह है कि हमने कहीं स्विच को कोई आईपी दिया हुआ नहीं है, हम स्विच को आईपी देते हैं अभी. इंश्योर कर लेना कि स्विच को आईपी मिल गया है, तो इसके लिए कमांड है सो आईपी इंटरनेट ब्रीफ. तो ये देखो सिंपल कमांड है, हमने इंटरफेस विलेन वन में गए, यहाँ पे आईपी डाल दिया, आईपी एड्रेस कमांड है, और बाद में आईपी डालना है, उसका सेपरेट मास्क डालना है. ओके, जो भी आप इंश्योर करो, जो भी आप आईपी डालो यहाँ पे स्विच में, और ये आईपी सेम नहीं होना चाहिए. मैंने यहाँ पे सेम डाल दिया है, तो हम एक बार फिर से चेंज कर देंगे. ये देखो वेरीफाई कर सकते हो, ये आईपी डाला हमने, अभी पिंग कर करते देख सकते हैं. ओके, ये देखो पिंग मिल गया, मींस का हमारा स्विच और जो हमारा कंप्यूटर उसका कम्युनिकेशन होने लगा. एक इंश्योर कर लेने का, जब भी जो पोर्ट अप है वो पोर्ट पर्टिकुलर विलेन में जो आईपी डाला है उसी विलेन में होना चाहिए, वरना आपका फर्मवेयर है वो कॉपी नहीं होगा. ये देखो मेरा जो पोर्ट अप है, तो 23 नंबर का पोर्ट है, वो विलेन वन में है. देखो इंश्योर कर लेना आप. ओके, सिंपल कमांड है जो सबने डाला था, कॉपी TFTP फ्लैश. ओके, हमारा आईपी है 192.168.222.10, जो मेरे कंप्यूटर का आईपी वो डाल देना है. तो फाइल का नाम राइट, अभी बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन है फाइल का नाम, जो सेम ही रखना, जिससे फ्यूचर में को पता चलेगा कि यही है ऐसा करके. कॉपी होने लगा है, ये देखो यहाँ आपको पता चल जाएगा कॉपी होने लगा है, और यहाँ पे भी दिखाएगा. इसका एक ड्रॉबैक है सॉफ्टवेयर का, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने परसेंट कॉपी हुआ है. जब ये सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, जो दूसरा सॉफ्टवेयर है, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको, उसमें आपको पता चलता है कि कितना कॉपी हुआ है, इसमें पता नहीं चलता. तो इसका ये ड्रॉबैक है. यहां से आपको ये पुराना वर्जन है पुटी का, आप नया वर्जन में यहाँ पे थोड़ा अलग दिखता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट्टी अलग दिख रहा है. ओके, तो ये पुराना वर्जन है, आप नया वर्जन डालोगे तो उसमें थोड़ा चेंजेस होता है. मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ अभी.
मिनट में मैं ओपन वो कर दू, बोल। ये देखो हमारा iOS वर्जन यहाँ पे अभी कॉपी हो गया है। और मेक श्योर करना कि जब भी आप ये देखो कि कॉम पोर्ट 4 है तो यहाँ पे कॉम पोर्ट 4 ही डालो यहाँ पे। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका इशू नहीं आएगा, वरना इशू आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमारा कॉपी हो गया है, अभी आपको इंश्योर करना है। तो ये देखो ये आज का डेट है, ये फाइल हमने अभी कॉपी किया है। ओके, ये फाइल हमने कॉपी किया है यहाँ पे अभी, तो हो गया। मैं इसको बंद कर विंडो ये पुट्टी क्लोज करके ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या इश्यू होता है। कभी कभी आप रॉन्ग पोर्ट नंबर डाल देते हो। यहाँ पर भी मेरा 4 है और मैं डाल रहा हूँ 1, तो क्या होता ऐसा एरर आता है। तो समझ लेना कि आपका पोर्ट नंबर गलत डाला है। तो जैसे नरेश जी ने बताया, आप ये कमांड कंप्यूटर में जाके ये ओपन करोगे कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो यहाँ से ओपन होगा पोर्ट 4, तो पोर्ट 4 ही डालना है तो ओपन हो जाएगा। तो ये डाल दिया हमने। अभी दूसरा कमांड है, इसके बाद में हमको जो भी किया है वो जो बूट फाइल रहता है यहाँ हमारा, उसमें चेंज करना है। अभी जो मेरा पुराना वर्जन था वो चल रहा था, कुछ चेंज करने के लिए सिंपल कमांड है। मैं आपको कमांड बता देता हूँ। पहले जो पुराना फ्लैश फाइल है उसको आप कॉपी कर लो, जिससे क्या होगा कुछ इशू आता है तो आप पुराना डाल सकते हो जो रोमन में चला गया स्विच। तो और नया मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके दिखा देता हूँ। जैसे एक कमांड डालो नो बूट सिस्टम, जैसे डालोगे तो आपको बूट में वो फाइल यहाँ पे देखो बूट पाथ निकल गया, जो पहले यहाँ पे बूट पाथ था वो निकल गया। ओके, बूट पाथ डाल रहा हूँ वापिस। मैंने डाल दिया नया, इंश्योर करने के लिए शो बूट देख सकते हो ये देखो। ओके, सेम मैंने नाम डाल दिया है यहाँ पे था नया, ये देखो। ओके, ये देखो मैंने पुराना ही डाल दिया है, तो मैं नया डाल देता हूँ अभी एक बार। देखो नया आ गया E5 जो हमने नया डाला था अभी। शो बूट करके तो पूरा दिखाई देगा आपको ये देखो। ओके, इसको मैं राइट कर लेता हूँ, फिर इसको रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में? और इसको बूट होने में 5 मिनट और 20 सेकंड लगता है, और पोर्ट होने में 1 मिनट, मीन्स पूरा 6 मिनट 20 सेकंड में अभी स्टार्ट होगा। तो वीडियो को पॉज कर रहा हूँ मैं, और आफ्टर स्टार्ट मैं आपको ये बता दो एक बार, अभी जो बता रहे थे ना पुट्टी वाला, पुट्टी डाउनलोड करेंगे तो न्यू वर्जन में कैसे दिखाई देगा? ओके, कहाँ से डाउनलोड होगा वो? तो मैंने जैसे डाउनलोड किया यहाँ से, आप गूगल में जाओ, लिखो पुट्टी, तो ये वेबसाइट है, देख जाता हूँ आपको दिखा देता हूँ। पुट्टी डाउनलोड लिखो तो पहला ही वेबसाइट आएगा, पुट्टी डाउनलोड करके
तो आप फुटी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, तो ये खुलेगा। तो आपको इंस्टॉलेशन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप, और आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली रन चाहिए तो ये डाउनलोड कर लेना फुटी डॉट exe जो मैं डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे। तो ये नया फुटी है, यहाँ पे सीरियल पे क्लिक करने का होम पोर्टल को ओपन हो जाएगा। अभी दिखाई नहीं देगा, स्विच रिस्टार्ट हो रहा है अभी। कभी कभी इश्यू ये होता है कि रोम मोड में चला जाता है, तो आप इश्यू होगा। अभी स्विच रोम मोड चला नहीं है, लेकिन जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा आपको। उसके ऊपर हम अभी अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना परत? अच्छा एक चीज और, जैसे हम iOS अपग्रेड करते हैं तो बैकअप लेने, मतलब कि बैकअप रहता है या चला जाता है? बैकअप रहता है, जो हम iOS अपग्रेड करते हैं तो सेफ फॉर साइट बैकअप लेने चाहिए, लेकिन बैकअप निकलता नहीं है। ये देखो स्विच स्टार्ट हो गया है, तो आप वर्जन देख सकते हैं। पहले वर्जन था E5, E4, तो ये देखो हो गया E5। और पुराने वर्जन को कैसे डिलीट करेंगे हम? पहले आप देख सकते हैं, सो ऐसे आप वर्जन देख सकते हैं, सिंपल कमांड है, कॉपी करो, डिलीट, प्लेस, ये हो गया डिलीट। दोस्तों अभी पुट्टी हमने एग्जिट कर दिया है। आपको इस वीडियो में बताया हम कैसे अपने सिस्को iOS को अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करने से पहले आपको कैसे बैकअप लेना है उसका भी सिंपल कमांड है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे रोमन मोड के अंदर अगर हमारा स्विच चला जाता है और iOS क्रैश हो जाता है तो उसके अंदर हम iOS को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।